व्यापार की शर्तों के बारे में अध्ययन करने के पश्चात आज हम व्यापार की शर्तों के निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। जब दो देश और दो वस्तुएं हों तो एक देश की व्यापार की शर्तों से अर्थ उसकी वस्तुओं की निर्यात कीमत और आयात कीमतों के बीच अनुपात से है। इसका मतलब है PX/PM। एक देश के निर्यात दूसरे देश के आयात होने पर और इसके विपरीत भी, एक देश की व्यापार की शर्तें दूसरे देश की व्यापार की शर्तों से उल्टी होती हैं। समझने के लिए हम मान लेते हैं कि दो देश हैं, जर्मनी और इंग्लैंड। जर्मनी लिनन का उत्पादन करता है और इंग्लैंड कपड़े का, और इनका भी एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। तो जर्मनी की व्यापार की शर्तें PL/PC और इंग्लैंड की व्यापार की शर्तें PC/PL होंगी। उनके बीच व्यापार की शर्तें निर्धारित होती हैं जब उनके कीमत अनुपात संतुलन में हो, अर्थात PL/PC = PC/PL = 1। इस चित्र में हम व्यापार की शर्तों के संतुलन को देख सकते हैं। इसमें OE इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है और OG जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है। बिंदु A जहाँ पर दोनों प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं, यह संतुलन बिंदु है। और व्यापार की शर्तें यहाँ पर रे या किरण OT की ढलान से निर्धारित होगी। OT रेखा दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमत रेखा है जो एक के बराबर है। इसका मतलब है वस्तु सी क्लोथ है और एल लिनन है, तो PC/PL बराबर OC/OL एक के बराबर, बराबर एक है। PC/PL या OC/OL ये दोनों एक के बराबर हैं। इंग्लैंड के लिए ये PC/PL होगा और जर्मनी के लिए PL/PC जो कि UL/OC के बराबर होगा, UL/OC जो कि एक के बराबर है होगा। इस कीमत रेखा OT पर इंग्लैंड कपड़े की OC इकाइयां जर्मनी को निर्यात करता है, जो जर्मनी से आयात की गई लिनन की OL इकाइयों के बिल्कुल बराबर है। दूसरी ओर जर्मनी लिनन की OL इकाइयों का इंग्लैंड को निर्यात करता है, जो इंग्लैंड से आयातित कपड़े की OC इकाइयों के बिल्कुल बराबर है। क्योंकि इंग्लैंड और जर्मनी द्वारा क्रमशः कपड़े और लिनन की पूर्ति और मांग OT रेखा पर बराबर होती है, इसलिए व्यापार की शर्त यहाँ पर संतुलन में होंगी। यह सिद्ध करते हैं हम कि OT ही वह संतुलन कीमत रेखा है, कीमत अनुपात रेखा है, जिस पर दोनों देश कपड़े और लिनन का व्यापार करेंगे। हम एक कीमत रेखा OT1 लेते हैं जो इंग्लैंड के प्रस्ताव वक्र को इंग्लैंड के प्रस्ताव वक्र OE को A2 बिंदु पर काटती है यहाँ पर। इसी प्रकार कीमत रेखा OT2 लें जो OG को जर्मनी के प्रस्ताव वक्र को OA1 बिंदु पर काटती है। बिंदु A1 पर कीमत अनुपात OC2/OL2 है जो कि बराबर हैं
ओएल वन अपॉन ओसी वन में। इस कीमत रेखा पर इंग्लैंड कपड़े की ओसी टू मात्रा निर्यात करेगा और इसके बदले जर्मनी से लिनन की ओएल टू मात्रा आयात करेगा। दूसरी ओर बिंदु ए पर कीमत अनुपात ओएल वन अपॉन ओसी वन है, जिस पर जर्मनी लिनन की ओएल वन मात्रा इंग्लैंड को निर्यात करेगा और उसके बदले इंग्लैंड से कपड़े की ओसी वन मात्रा आयात करेगा। परंतु जर्मनी द्वारा लिनन की ओएल वन इकाइयों का निर्यात इंग्लैंड द्वारा आयात की जाने वाली ओएल टू इकाइयों से बहुत अधिक है। लिनन की मांग से सप्लाई अधिक होने के कारण जर्मनी उसकी कीमत को कम करेगा, जो इसकी मांग को बढ़ा देंगे। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए जर्मनी अपनी लिनन की पूर्ति को अपने प्रस्ताव वक्र ओजी के साथ साथ बिंदु ए वन पर ऊपर की ओर बढ़ाता जाएगा, जब तक कि वह बिंदु ए पर नहीं पहुंच जाता। इसी प्रकार बिंदु ए टू पर इंग्लैंड कपड़े की ओसी टू इकाइयां जर्मनी को निर्यात करेगा, जो ओसी वन इकाइयों से बहुत अधिक है, जिन्हें जर्मनी आयात करने के लिए तैयार है। अतः कपड़े की मांग से उसकी पूर्ति अधिक होने के कारण कपड़े की कीमत गिरेगी, जिससे इसके लिए जर्मनी की मांग बढ़ेगी। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए इंग्लैंड अपने प्रस्ताव वक्र ओई के साथ साथ बिंदु ए टू से ऊपर कपड़े की पूर्ति बढ़ाता जाएगा, जब तक वह बिंदु ए पर नहीं पहुंच जाता। इस प्रकार व्यापार की संतुलन शर्तें ओटी कीमत अनुपात रेखा पर पुनः स्थापित हो जाएंगी, जहां लिनन और कपड़े के निर्यात और आयात की इच्छित मात्राएं बराबर होंगी। यहां तक हमने देखा कि व्यापार की शर्तों का निर्धारण किस तरह से होता है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इनमें हम पहला कारक जो देखते हैं वो है पारस्परिक मांग अथवा रेसिप्रोकल डिमांड। किसी भी देश की व्यापार की शर्तें पारस्परिक मांग पर निर्भर करेंगी, अर्थात प्रत्येक देश की दूसरे देश के उत्पादन के लिए मांग की शक्ति तथा लोच पर निर्भर करती है। हमने मान लिया यहाँ पर कि दो देश हैं, वहीं जर्मनी और इंग्लैंड, जो क्रमशः लिनन और कपड़े का उत्पादन करते हैं। यदि इंग्लैंड के कपड़े के लिए जर्मनी की मांग अधिक गहन या बेलोच कह सकते हैं हो जाती है, तो लिनन की कीमत की अपेक्षा कपड़े की कीमत अधिक बढ़ जाएगी और व्यापार की शर्तें जर्मनी के अनुकूल तथा इंग्लैंड के प्रतिकूल हो जाएंगी। इसे हम इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। इस चित्र में स्पष्ट है कि ओई इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र और ओजी जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है। बिंदु ए, जहां दोनों प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं, वो संतुलन बिंदु है, जिस पर जर्मनी के ओ एल लिनन के बदले इंग्लैंड के ओ सी कपड़े का व्यापार होता है। ओ टी किरण की ढाल व्यापार की शर्तों को व्यक्त करती है। अब हम मान लें कि जर्मनी के लिनन के लिए इंग्लैंड की मांग बढ़ जाती है। इंग्लैंड जर्मनी के लिनन के बदले अधिक कपड़ा बेचने को तैयार होगा। इंग्लैंड की मांग में वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए इस चित्र में उसका प्रस्ताव वक्र दाएं को सरककर ओ ई वन पर चला गया, जो जर्मनी के प्रस्ताव वक्र ओ जी को ए वन पर काटता है। अब व्यापार की नई शर्तों को ओ टी वन रेखा प्रदर्शित कर रही है।
जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड लिनन की OL1 इकाइयों के बदले कपड़े की OC1 इकाइयां निर्यात करता है। व्यापार की शर्तें इंग्लैंड के लिए प्रतिकूल और जर्मनी के लिए अब बेहतर हो गई। यह इससे ही प्रमाणित हो रहा है कि लिनन की L1 इकाइयों के बदले इंग्लैंड कपड़े की CC1 अधिक इकाइयां निर्यात करता है, जहां हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि CC1 इज ग्रेटर देन LL1। इसी प्रकार हम आगे देखें, इस चित्र में यदि इंग्लैंड के कपड़े के लिए जर्मनी की मांग बढ़ जाती और जर्मनी का प्रस्ताव वक्र बाएं को सरककर OG से OG1 पर चला जाता, जो इंग्लैंड के मूल प्रस्ताव वक्र OE को अब A2 पर काटता है। अब जर्मनी कपड़े की OC2 इकाइयों के बदले लिनन की OL2 इकाइयां निर्यात करता है। रेखा OT2 द्वारा व्यक्त व्यापार की नई शर्तें बताती हैं कि वे जर्मनी के लिए प्रतिकूल और इंग्लैंड के लिए अब बेहतर हो गई। यह इससे प्रमाणित है कि जर्मनी कपड़े की CC2 कम इकाइयों के बदले लिनन की LL2 अधिक इकाइयां निर्यात कर रहा है। सीसी कपड़ा तो कम हुआ है और लिनन बढ़ गया, परंतु व्यापार की वास्तविक शर्तें प्रत्येक देश के प्रस्ताव वक्र की मांग की लोच पर निर्भर करेंगी। एक देश का प्रस्ताव वक्र जितना अधिक बेलोच होगा दूसरे देश के मुकाबले, उसकी व्यापार की शर्तें उतनी ही अधिक प्रतिकूल हो जाती हैं। दूसरी ओर इसका प्रस्ताव वक्र जितना अधिक लोचदार होगा दूसरे देश के मुकाबले, उसकी व्यापार की शर्तें उतनी ही अधिक अनुकूल होंगी। व्यापार प्रस्ताव वक्र की लोच को हम अपने पहले वीडियो में, चैप्टर 2 के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब लोच को हम इस चित्र से समझ सकते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि व्यापार की प्रारंभिक शर्तों को OT रेखा व्यक्त करती है। OT जहां बिंदु A पर OE और OG वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, जो मूल प्रस्ताव वक्र हैं। इंग्लैंड OC कपड़े के बदले जर्मनी की OL लिनन आयात करता है। जब जर्मनी का OG वक्र शिफ्ट होकर OG1 पर चला जाता है, तो इंग्लैंड के OE वक्र को अब यह A1 पर काटता है और OT1 उनके व्यापार की शर्तों की नई रेखा है। जर्मनी का प्रस्ताव वक्र OG1 इंग्लैंड के प्रस्ताव वक्र OE की अपेक्षा कम लोचदार होने पर जर्मनी की मांग इंग्लैंड के कपड़े के लिए पहले से अधिक अब तीव्र हो जाती है। अब इंग्लैंड की कम कपास या इंग्लैंड के कम कपड़े CC1 के बदले जर्मनी उसे LL1 से अधिक लिनन देता है। जो वह पहले OT रेखा पर दे रहा था, OL दे रहा था और अब वह OL1 देगा। अतः जर्मनी की शर्तें, व्यापार की शर्तें जर्मनी के लिए प्रतिकूल और इंग्लैंड के लिए अनुकूल हो गई।
अब यहाँ मान लें कि इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र ओ ई शिफ्ट होकर ओ ई वन पर चला जाए, जर्मनी के प्रस्ताव वक्र ओ जी वन को ए टू बिंदु पर काटे। इनकी व्यापार की शर्तें ओ टी टू पर निर्धारित होंगी। इस स्थिति में जर्मनी के प्रस्ताव वक्र ओ जी वन की अपेक्षा इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र ओ ई वन अधिक बेलोच होने से जर्मनी की लिनन के लिए इंग्लैंड की मांग अधिक तीव्र है, इसलिए इंग्लैंड सी वन सी टू अधिक कपड़ा देने के लिए तैयार हो जाता है और जर्मनी अपेक्षाकृत कम लिनन एल वन एल टू जो वह पहले ओ टी वन पर दे रहा था इससे स्पष्ट है कि व्यापार की शर्तें इंग्लैंड के लिए प्रतिकूल हैं और जर्मनी के लिए अब सुधार के अनुकूल हो गई हैं। इससे आगे के पॉइंट्स व्यापार की शर्तों को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।